बहुत ही डरावना था, मोर देन मज़ेदार, क्योंकि हम लिटरली मैदान में जाते हैं, वहाँ पर इट्स अ बैटल फील्ड जहाँ पर जाकर हम खुद का मजाक उड़वा रहे हैं, तो और स्टंट्स भी कर रहे हैं, सो इट्स एन इक्वल मिक्स ऑफ फन एंड एडवेंचर. वेल, हर्ष वॉज वेरी सिंपल कि मैं ये शो कर रहा हूँ और तुम्हें ये शो करना है, और बस हमारी ये बात हुई और मैंने ये शो कर लिया. जब दोस्त, वो भी इतने टैलेंटेड दोस्त, कुछ काम करते हैं, तो देर इज़ नो वे कि आप उसका हिस्सा ना बने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं खतरा 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 की हिस्सा हूँ. सबसे अजीब, अजीब तो कोई नहीं, सभी बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही नॉटी है सबके सब, और सबसे अजीब एक्चुअली देते हैं इंस्ट्रक्शंस हर्ष, और कभी कभार तो ऐसे होता है कि मुझे एक साथ इतने इंस्ट्रक्शन आते, तो वैसे बोलती हूँ मैं, हाँ क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, क्या बोल रहे थे आप, ऐसे ऐसे होते हैं ये इंस्ट्रक्शन हमारे. पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये एक गेम शो है खतरों के खिलाड़ी, और इसमें सब अपना गेम खेल रहे थे, तो इसमें भारती को इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं, शी डिड द राइट थिंग, शी वाज जस्ट प्लेइंग द गेम, और हम प्रूफ है कि आज भी हम इतने अच्छे दोस्त हैं, और उस एपिसोड के बाद भी हमारे में कुछ वैसे चेंज नहीं हुआ था. एंड आई अंडरस्टैंड लोगों का इमोशंस है, दे फील समथिंग, बट ट्रोलिंग इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू फॉर एनी वन. And the proof is that Bharti और मैं आज इतने अच्छे दोस्त हैं अभी भी. वो एक गेम खेल रही थी, मैं भी एक गेम खेल रही थी, सो दैट्स अबाउट इट. फैंस को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप हमारा शो देख रहे हैं खतरा खतरा खतरा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आए ये शो देखने में. थैंक यू सो मच.